हेलो दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक ठाक? तैयारी स्टार्ट कर दी? नहीं कर दी? चलो, उम्मीद करता हूं पाई चार्ट का पार्ट वन आपने देख लिया होगा। हाँ जी, नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए और साइड में देखिए, पाई चार्ट का लेक्चर आपको रिसेंटली अभी पिछले कुछ दिनों में मिल जाएगा। बिकॉज पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट का क्वेश्चन आपको आता है। देखो, चार्ट चार तरह के होते हैं। पाई चार्ट नंबर दो, लाइन चार्ट नंबर तीन पे फिर होता है बार ग्राफ, फिर होता है हमारा डेटा टेबल, एक होता है मिक्स ग्राफ। अब अगर ये चार आपको अच्छे से आता है तो मिक्स ग्राफ आप इजीली कर लेंगे। बिकॉज मिक्स ग्राफ में क्या होगा स्टूडेंट, उसमें इन चारों में से पाई चार्ट, डेटा टेबल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ऐसा कुछ करके कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ। आज एक इस तरह का प्रश्न हमारे पास है, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, तो भैया आपके पास अभी मौका है बैच को ज्वाइन करने का। कौन से बैच का? नहीं पता, ये वाले बैच का, जिसके स्पेसिफिकेशन में एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ये मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच है। ठीक है, ये मेरे पास क्या ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैच है। ठीक है, टाइमिंग क्या है इसकी? 3 बजे से लेकर 4:30, बट ये मेरे पास तकरीबन तकरीबन पूरे 5 बजे के आसपास, 4:55 5 बजे तक चलता है। अब आप कहोगे सर लेक्चर की टाइमिंग तो 3 से 4:30 है, आधा घंटा क्यों? बताऊंगा भाई, थोड़ी देर में रुकिए। ठीक है, सबसे पहली 4 डेज अ वीक है बैच है, अभी और भी एक्सटेंड हो सकता है, 5 या 6 दिन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास का टोटल जो नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल रहे हैं ना, वो 180 प्लस लेक्चर मिल रहे हैं। लगता है आपको 180 लेक्चर के बाद कुछ जरूरत पड़ेगी? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, अब 180 आपको डिवाइडेड मिल रहे हैं। देखो इसमें क्या है, इसको जो 180 लेक्चर है ना, इसको 90 एंड 90 प्लस इसमें डिवाइड किया गया है। जो ये वाले 90 प्लस लेक्चर हैं बाद वाले, ये आपको एज अ रिकॉर्डेड ऑलरेडी इसमें पोर्टल में पड़े हुए हैं, जो प्रैक्टिस सेशन के तौर पर, जैसे इसमें गैप प्रीवियस ईयर के 15 लेक्चर्स हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के 50 प्लस लेक्चर हैं और लाइव मैटर सेशन के 30 प्लस लेक्चर हैं। क्लियर? अब बचे ये 90 लेक्चर। ये 90 लेक्चर कैसे मिल रहे हैं? ये 90 लेक्चर आपको लाइव फॉर्मेट में मिल रहा है। अगर ऑनलाइन बैठेंगे तो आपको लाइव पोर्टल पे मिलेंगे, अगर आप ऑफलाइन आएंगे तो क्लासरूम में बैठ के अभी 90 लेक्चर का मजा ले सकते हैं। अब इन 90 लेक्चर्स में क्या खास है? देखो, इसमें आपको मिलेंगे 50 एप्टीट्यूड के लेक्चर, यानी मैथ के, 25 लॉजिकल के और 15 आपको मिलते हैं इसमें इंग्लिश के लेक्चर। तो ये बेहतरीन चीज है जो आपको बहुत समझ आनी चाहिए। क्लियर? प्रीवियस ईयर के 15 जैसे मैं बता चुका हूँ, एमसीक्यू सेशन 50 प्लस और लाइव मेंटरशिप सेशन कितने मिलेंगे आपको? 30 प्लस। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आने वाले समय में आपको बहुत काम कर दे सकती है। क्लियर? क्योंकि ये वाले जो लेक्चर है ना, ये प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो जो आपको अभी का डाटा है वो 2024 का, वो तो मिल ही रहे, पिछले वाला भी कुछ मिल रहा, तो ये आपको बहुत अच्छा। चलिए चलिए, अब देखो आपके पास इसके अलावा क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो 9517717165 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप दोनों कर सकते हैं, सो दैट टीम आपसे वैसे जुड़ जाएगी बेटा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब ये आपको सबसे पहले क्या मिलता है इसमें, वीकली शेड्यूल। वीकली शेड्यूल मिल रहा है। इस वीकली शेड्यूल में क्या रहा आपके पास, ध्यान से देखो, आपको इसमें पता चलेगा कि आने वाले वीक में आपके जो अपकमिंग लेक्चर्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस लेक्चर में क्या मिलेगा आपको, लेक्चर की पीडीएफ, मतलब जो मैंने क्लास में करवाना है वो सेम डे सुबह या एक दिन पहले अपडेट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या चलना है। उसके बाद रिसोर्स शीट या उसको रिसोर्स चार्ट बोलते हैं। अब ये रिसोर्स शीट है, रिसोर्स चार्ट क्या होता है बेटा? ये चैप्टर का वो पार्ट होता है जिसमें कुछ थ्योरेटिकल, कुछ फॉर्मूलास, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। क्लियर? नंबर 3 पे फिर होगा आपके पास प्रैक्टिस शीट। फिर क्या होगा आपके पास? प्रैक्टिस शीट। इस प्रैक्टिस शीट को ही हम इस 30 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस शीट को ही हम इस 30 मिनट में डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लियर? तो ये बहुत इजी है आपको करना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मतलब हैंड टू माउथ वाली बात हो जाएगी, हाँ आराम से इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या, अब नेक्स्ट आपका इसमें नेक्स्ट, यस आपके पास वीकली आपका टेस्ट भी होगा।
वीकली टेस्ट में क्या होगा आपके पास, वीकली टेस्ट में क्या होगा, वीकली टेस्ट में आपके पास क्या होगा, वीकली टेस्ट में आपके पास होगा कि आप वीक में जो काम कर रहे हैं उसकी टेस्ट होगा, मतलब उसका टेस्ट होगा। और ये आपको कैसे मिलेगा, इसका सोल्यूशन करवाऊंगा मैं, वीडियो सोल्यूशन। इसका मैं करवाऊंगा आपको वीडियो सोल्यूशन, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब आपको समझने की, किस हिसाब से मैं करना है, क्लियर। कोई डाउट हो तो बेटा इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी आप कर सकते हैं, क्लियर। तो इट्स ऑल अबाउट, और परचेज आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगा, क्लियर। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा जो कि है मेरा ये, जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो, कोई पीडीएफ, कोई इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें अपडेट हो जाएंगे, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, आज हम पाई चार्ट करना। देखो पहला ही क्वेश्चन कौन सा है, पाई चार्ट प्लस डेटा टेबल, मतलब बेसिकली ये मिक्स चार्ट है मेरे पास, क्लियर। चलिए, पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस कोर्सेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इस पाई चार्ट की टोटल वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1400, क्लियर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन बीएससी मैथमेटिक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन बीएससी कंप्यूटर साइंस। देखो भाई, मुझे क्या बताना है, बीएससी मैथ्स में लड़कियां, बीएससी मैथ्स में गर्ल्स, ठीक है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस में बॉयज, इसका मुझे रेशियो बताना है। तो पहले देखिए, अब देखो यहां पे क्या है, सारा का सारा परसेंटेज में दिया हुआ, डिग्री में तो दिया नहीं हुआ। तो सबसे पहले मुझे निकालना है बीएससी मैथ्स में टोटल कितने बच्चे हैं, बीएससी मैथ्स वो कितने परसेंट है बेटा, 20% है, क्लियर। यानी 20% किसका, 20% ऑफ 1400, 20% ऑफ 1400, तो ये कितना होगा मतलब 280, मतलब ये क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स, क्लियर। अब इसने क्या बोला है, बीएससी मैथ्स में 40% बॉयज है, अब इसका 40% बॉयज है, 40% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी, 60%, यानी 2:3, कितना 3, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 280। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56। हाँ जी, क्या इतनी ही है मेरे पास, चलिए अगर इतनी ही है तो मेरे को नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गई कितनी, 56 × 3, यानी 160 के रहा, ठीक है। और मुझे क्या बोल रहा है, देखो कैलकुलेशन बड़ी इजी है बट आपको करनी आनी चाहिए, मैंने बड़ी फ्लॉलेस कैलकुलेशन की है, बिकॉज यहां पे कितने परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, सो नंबर ऑफ बॉयज का ये डेटा है मेरे पास, क्लियर। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट बोल रहा है मेरे को चाहिए बीएससी बॉयज, तो बीएससी कहां है भाई मेरे पास, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, यानी 25% ऑफ 1400, ये कितना हो मेरे पास, 350। अभी 350 में बीएससी कंप्यूटर साइंस में लड़के कितने हैं भाई, 80, यानी कितना, 8500, यानी कितना, 4/5, तो ये कितना होगा, 70 × 4, ये फाइनल रेशो आ गया मेरे पास, मुझे यही बताना है कितना। देखिए जरा इसको सॉल्व करके, देखिए 14 5 तो कितना हो गया, 3:5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। जल्दी से इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए जी, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ 800 एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी। देखो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, बहुत इजी है। इस तरह का क्वेश्चन में लास्ट में बहुत सारा किया था। देखो सबसे पहले टोटल 100, देखो 100 बन रहा है तो मार्केटिंग कितना है भाई, मार्केटिंग है 22% ऑफ टोटल कितना है मेरे पास, 800, 22/100 इंटू 800, 176, ऑप्शन नंबर डी इज द। कुछ क्वेश्चन सीधे भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन टेढ़े भी आ सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था, क्लियर। तो चलिए टेढ़ा है पर मेरा है ये, ठीक है जी, एडमी बोलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री वाइज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ मंथ, द टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली इज 43,200, एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। देखो
मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, जब भी आंसर मेरे पास परसेंटेज में हो ना, ये एक्चुअल डाटा मैटर नहीं करता। मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी पाई चार्ट में, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देखिए, कि जब भी मेरे पास परसेंटेज में आंसर पूछा हो ना, एक्चुअल डाटा डजंट मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली कुछ भी हो, मतलब ये क्या होगा, 45 डिग्री किसका, 43 200 का, ऐसा ही कुछ 360 इतना करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, एक्सपेंडिचर फूड, देखो फूड कितना है मेरे पास, फूड कितना जी मेरे पास 105, और रेंट कितना मेरे पास 70। तो क्या इसका रेशियो निकाल लें, 35-3, 35-2 फूड रेंट। तो डेफिनेटली रेंट अपना फूड कितना ज्यादा, एक किससे, रेंट से 2, तो कितना आ गया इनटू ऑफ 100%, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए चलिए जी, एक और मेरे पास डेटा टेबल और पाई चार्ट का क्वेश्चन क्या दिया है। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th इन अ स्कोर इन 6 डिफरेंट सेक्शन। मतलब टोटल 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 300। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं, यहां दिख रहा है इजीली, बिल्कुल, तो 20, ए का कितना हो गया 60, बी का कितना हो गया 54, डी का कितना हो गया 17-51, 14-42, 12-36। तो टोटल अगर 300 है ये, तो क्या मुझे सी पता चल सकता है? बिल्कुल, देखो 6, 5, 11, 11, 5, 17, 4, 21, 22, 23, 24, 240 प्लस 6, 4, 10, 5, 15, 6, 4, 10, 11, 12, 13, 13। तो कितना हो गया 253, तो सी कितना आएगा 47। देखिए, तो क्या सी मेरे पास 47 आएगा? बिल्कुल 47 ही आना चाहिए मेरे पास। हाँ जी, क्या ये 47 ही आ रहा है, चेक करो जरा, एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लो जरा। 300 स्टूडेंट्स हैं, तो भैया 20, 60, 18, 54, अभी इसका ये परसेंटेज वाइज भी देखो, 20, 20, 50, 60, 70, 81, 50, सॉरी, अच्छा 2, 4, 53 है, तो 57 आएगा ये, दिस इज 57। क्लियर, चलो अब मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि 19% ही आया, 19 57। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ सेक्शन ए बी डी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, बट सी की इसमें जरूरत भी नहीं, किसका पूछा है, ए बी डी का, क्या बोला है, और नंबर ऊपर सेक्शन दिए, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए बी डी, ए प्लस बी प्लस डी में क्या पूछा उसने, बॉयज ए में कितना है 36, बी में कितना 26 और डी में कितना 28। तो ये कितना होगा मेरे पास, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 70, 8, 8, 16, 6, 22, 92 रेशो। अगर मैं रेशो में निकालना चाहूं, पहले रेशो निकाल लें, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए बी डी। देखो ए में अगर टोटल 60 हैं, अगर ये हैं 36 बॉयज हैं, तो भाई 24 गर्ल्स हुई, 36, 4, 40, 60। बी में अगर टोटल मेरे पास 54 है, 2628 मेरे पास गर्ल्स हुई, बी में अगर टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स 54 है, और अपने को 26 इसमें बॉयज दिया, तो डेफिनेटली 28 क्या हुए, गर्ल्स हुई। और अगर मैं डी की बात करूं, डी में कितना है, टोटल 51 है, 28 है, तो 23 हुई, 2, 4, 6, 60, 72 और 75, 8, 7, 12, 3, 15, तो कितना ही हुआ। चलिए जी, तो क्या ये बिल्कुल एक बार चेक करो, कैलकुलेशन ठीक है अपने पास, 3, 4, 5, 6, 70, 8, 6, 14, 26, 90 आएगा ये, क्लियर है। तो ये कितना आ गया, 15, 6, 90, 15, 5, 75। क्या बोल रहा है भाई वो, ए बी डी टूगेदर बट परसेंटेज मोर देन, तो भैया 6:5 है, तो कितना ज्यादा, एक किससे, 5 से गुना 100%, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, चलिए
जल्दी से नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर। चलिए पाई चार्ट का आई थिंक एक और क्वेश्चन है मेरे पास। बिल्कुल, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ड्यूरिंग 5 मंथ्स। द टोटल ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इज 5400, मतलब डिग्री में है ना। चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन फेब्रुअरी एंड मार्च। देखो मैं अभी भी वही बात समझा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इस डिग्री को मैं सिंगल एक डेटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। मतलब कंपेयर कर रहा हूं कि 75% ऑफ 5400 सॉरी डिग्री 7360 को पहले करोगे फिर 77 की वैल्यू निकालोगे, कोई जरूरत नहीं। उसने क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन फेब्रुअरी एंड मार्च। तो फेब्रुअरी में कितना है भाई 45, मार्च में कितना है मेरे पास 99, यानी ये कितना है 144। किससे कंपेयर कर रहे हैं, सोल्ड इन फेब्रुअरी एंड मार्च मोर देन नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन अप्रैल एंड मई। अप्रैल कितना है मेरे पास 54, मई कितना है 77, 7, 5, 12 130, अप्रैल एंड मई बोले, अप्रैल एंड मई, चलो भाई 131। तो भाई कितना ज्यादा है अगर देखा जाए, 13 किससे 131 गुना ऑफ 100%, तो कितना आएगा। देखो ये अगर मेरे पास 130 होता तो 10 आता, तो 10 से थोड़ा सा छोटा होगा। ऑप्शन नंबर डी 9.99 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। जल्दी से नोट करेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए बेटा, होपफुली ये सेशन आपको पसंद आएगा और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास नेक्स्ट है बेटा, हमारे पास बहुत बढ़िया चीज वो है मेरे पास, माइक्रो कोर्स। अब माइक्रो कोर्स क्या है सबसे पहले समझे, माइक्रो कोर्स यानी छोटे कोर्स, यानी मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा, यानी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं फुल कोर्स का टारगेट नहीं कर रहा। व्हाट आई एम टारगेटिंग हियर, वेट अ मिनट, व्हाट आई एम टारगेटिंग हियर, मैं क्या टारगेट कर रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जो मेरे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नंबर सिस्टम की बात करेंगे, आप करेंगे एलसीएम एचसीएफ की बात, आप करेंगे मेरे पास परसेंटेज की बात, आप करेंगे प्रॉफिट लॉस की बात, फिर आप कहेंगे सर ये मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। मैं बताऊं कैसे हेल्प कर सकता है बेटा, आप पूरा कोर्स ना करके ना सिर्फ छोटे छोटे कोर्सेज के ऊपर जाओ ना शुरू में, क्या दिक्कत है। अगर आपको पूरा कोर्स नहीं भी खरीदना, या आपको लग रहा है कि ऑलरेडी आपकी थोड़ी तैयारी हो रखी है, या आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है, तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए, बाद में रेस्ट ऑफ द डाटा कवर करेंगे। दैट मे बी योर प्लानिंग हो सकती है और होनी भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि पहले उस टॉपिक को कवर कर लें जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसने 25% ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा सी सेट का घेरा हुआ, वो कौन सा मेरा नंबर सिस्टम। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपको परसेंटेज वाइज सारा डेटा मैं दिखाता हूं और बताता हूं कैसे आप इसे अवेल कर सकते हैं, क्लियर। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहीं मिलने वाला और इस माइक्रो कोर्स का लिंक भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। चलिए चूज एग्जाम सिविल सर्विसेज सेट की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले सारे कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज हैं, माइक्रो कोर्सेज हैं। तो जब मैं वीडियो कोर्सेज की बात करूंगा उसके पहले मैं बात करता हूं माइक्रो कोर्सेज की, ठीक है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो टीम आपसे जुड़ पाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तब भी आप कर सकते हैं। और यहां पे भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आता है जिससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे बेटा मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की मैं बात करूंगा, जैसे नंबर सिस्टम है मेरे पास, नंबर सिस्टम की बात क्या करेंगे, आपका डिविजिबिलिटी एपीजीपी सब इसी के अंदर आ रहा है, डिविजिबिलिटी हो गया आपका, फैक्टर हो गया, डिविजर हो, सब 10 लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ 324 रुपए, 9 वेब नोट्स और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए। सो करना क्या चाहिए इसे देखो, वो हम जाते हैं ना कि मार्केट में भैया थोड़ा टेस्ट कराओ, तो टेस्ट के लिए 6 मिनट फ्री ट्रायल आपके पास, तो इसको भी आप इजिली कर सकते हैं, क्लियर। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप करिए, आप देखिए 6 मिनट का कोई पैसा नहीं, बट 6 मिनट में आपको एक्चुअली पता चल जाएगा व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू, क्लियर। ऐसे ही जैसे मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन की, ऑलमोस्ट 15 से 16-17% सिंप्लीफिकेशन आ रहा है आपके पास, क्या 114 रुपए में 4 लेक्चर है, 1 वेब नोट्स है और 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के 421-22 क्वेश्चन है लग रहा है, और प्लस लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट के साथ अलग है, तो लगता है आपको इतने क्वेश्चन के बाद नहीं होगा, डेफिनेटली होंगे क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट बेटा परसेंटेज हो गया, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे एवरेज कर सकते हैं आप, 127 रुपए में आपके पास आता है और परसेंटेज के साथ गिवन है,
260 एमसीक्यूज है आपके पास, नंबर सीरीज है आपके, लाइन चार्ट आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है आपका। जैसे प्रॉब्लम होने जिस एलसीएम में डेटा टेबल हो गया आपका, ठीक है जी। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी आपको करना हो सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मेरे पास है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, ऑलमोस्ट 2640 रुपए का है, 2650 के आसपास का। देखिए पजल टेस्ट, पजल का क्वेश्चन आता है आपको, कितने का, 245 का, 17 लेक्चर्स है, 7 फेब नोट्स है आपके पास, ठीक है, और 270 एमसीक्यूज है आपके पास। रैंकिंग एंड ऑर्डर है, हर बार रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन आ रहा है आपको, ठीक है। 12% 130 रुपए का है, एक वेब नोट है, 204 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, फिर डायरेक्शन साइंस हो गया, सिलोजिज्म, ये सारी चीजें अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज अवेलेबल नहीं है, वो आप लोग करने के लिए, पता नहीं कब करेंगे, ठीक है। फिर टाइम निकल जाना, पूरे साल की मेहनत पानी में, ठीक है जी। इसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को कैसे डील किया जा सकता है, अच्छे से बताया गया हमें 6 लेक्चर्स के अंदर, जो 350 रुपए से भी कम के ना, 349 के हैं, और आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता बेसिकली, बट कॉम्प्रिहेंशन के साथ 968 क्वेश्चन और एक वेब नोट्स मिल रहा है। नेक्स्ट आपको एंटोनिम सिनोनिम यानी वोकैबुलरी पे भी काम करना पड़ सकता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें डायरेक्ट मीनिंग पूछ ले जाते हैं और हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। 2.5 मार्क्स की बात है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सिर्फ 53 रुपीज में 157 क्वेश्चन और 2 वेब नोट्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला बैच है जो आप अपील करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ डेटा अवेलेबल आपके लिए, ठीक है। कुछ यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी हैं जो आप देख पाएंगे पोर्टल पे जब जाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा उन सितारों की जो आप चमक करें, जैसे मिस्टर स्पर्श हो गए, अर्णव जी हो गए, अपना मिस्टर जतिन हो गए, ऋतु, यश, मोहन, जिनके बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स आए हुए हैं, और ये उनके क्या है गोल्डन बर्ड्स। मैं जो कह रहा हूँ मत मानो, मैं खुद कह रहा हूँ मत मानो, बट जो ये सिलेक्टेड बच्चे हैं इनकी बात तो मानेंगे ना। पढ़िए, मैं कह रहा हूँ यार मत लो एडमिशन, बट एटलीस्ट पढ़ो, आपको पता चलेगा इन्होंने किस हिसाब से काम किया था, बिकॉज ये वो स्टार्स थे जिन्होंने क्या किया था, जीएस के साथ सीसेट को भी शुरू से तैयार किया था। इन्होंने नहीं वेस्ट नहीं किया, इन्होंने वेट नहीं किया कि लास्ट 2-3 महीने में, शुरू से करता था। इन्हें पता है सीसेट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आप यही गलती मत करना प्लीज। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू। और माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, थैंक यू।